हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिंगना हेल्थ टिप्स में। आज का मेरा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके डेली लाइफ से बहुत रिलेटेड है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है चाय को दोबारा गर्म करके पीने का क्या मतलब है? अगर नहीं पता है तो आप ये जान लीजिए कि ये आपके लिए जहर का काम करता है। दोबारा चाय गर्म करके पीने का मतलब है कि आप जहर पी रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि चाय को दोबारा गर्म करके पीने से क्या होता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह बेड टी मतलब उठते ही चाय को पीने की आदत आम तौर पर हर किसी को रहती है। आप खुली नहीं कि सबको चाय चाहिए। चाय पीने के बाद ही वो बिस्तर छोड़ते हैं और फिर दूसरे काम करते हैं। सुबह की शुरुआत ही गलत ढंग से ही कर लेते हैं। खाली पेट चाय पीने का मतलब है कि सारा दिन बॉडी को कितना भी हेल्दी दे दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अक्सर कुछ लोगों की आदत होती है कि वो एक बार में बहुत ज़्यादा चाय बना देते हैं और सारा दिन उसे ही पीते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज आप ये जान लीजिए कि चाय को दोबारा गर्म करके पीना जहर के बराबर है। काम करने के बाद रिफ्रेश होने के लिए बाहर टपरी की चाय पीने जाते हैं। अगर वो चाय आपके सामने बना रहा है तो ठीक है, लेकिन उसने थर्मस से चाय निकाल के दी तो बेहतर होगा कि वो चाय आप ना पिए, क्योंकि आपको ये बात पता नहीं कि वो चाय कब की बनी हुई है। घर में भी कुछ लोगों की आदत होती है कि सुबह ही एक केतली चाय बना देते हैं और फिर उसे कई बार गर्म करते पीते हैं। बार बार चाय को गर्म करने से वो अनहेल्दी हो जाती है। चाय को दोबारा गर्म करके पीना नुकसानदायक है। चाय की पत्ती को ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए। आप अगर नॉर्मल चाय भी पी रहे हैं तो चाय पकने के बाद उसमें चाय पत्ती डालें और एक बार खौला कर उसे उतार लें। बार बार चाय की पत्ती को खौलाना सेहत को जहर देने के बराबर है। ब्लैक टी पीना कुछ हद तक फायदेमंद होता है, लेकिन जैसे ही दूध में चाय की पत्ती मिलाते हैं, चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट खत्म हो जाता है। इससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, एनर्जी नहीं रहती है और आप थके थके महसूस करने लगते हैं। चाय को दोबारा गर्म करके पीना पेट पर बुरा असर करता है। आप एसिडिटी के शिकार हो जाते हैं और आपकी आंत कमज़ोर होने लगती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि चाय को बार बार गर्म करके ना पिए। इंस्टेंट एनर्जी के लिए आप चाय पीते हैं तो इसकी बजाय एक गिलास ठंडा पानी पिए। सुबह सुबह ऐसा करके देखें, आप ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे और पानी आपके शरीर के लिए एनर्जी का काम करेगा। तो अब से जब भी चाय बनाएं, इस बात का ध्यान रखें कि चाय पत्ती को ज़्यादा ना उबालें। जितना अधिक आप चाय उबालेंगे उतना ही नुकसान आपको होगा। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।